तो दोस्तों अगर आप Realme का कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उस मोबाइल में कलर OS 3.0 रन कर रहा हो या कलर OS 4.0 रन कर रहा हो, Android 12 हो, Android 13 हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके डिवाइस में जो Google डायलर देखने को मिलता है, अगर आप उससे परेशान हैं और आप चाहते हैं कि Google डायलर की जगह आप वहां पे Realme डायलर यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे Google डायलर को Realme डायलर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ में कुछ ऐसे एडवांस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ओप्पो का मोबाइल हो, वीवो का मोबाइल है, तो उसमें भी आप Realme डायलर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गूगल डायलर के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल को ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे गूगल डायलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं आपको एक नंबर डायल करके दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर मैं यहाँ पे डायल कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे डायल करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग में जो भी बोला जाता है वो दूसरे बंदे को सुनाई देता है। तो ये थोड़ा आपको लगता है कि इस चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते दूसरे बंदे को, क्योंकि ये पता चल जाता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रिसेंट वाले हिस्ट्री में जाता हूँ और हिस्ट्री में जाने के बाद इस पर जैसे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होता है वो आपको यहाँ पे शो नहीं होता है। कॉल तो रिकॉर्ड हो गया पर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने और फिर से यहाँ पे डायल होना चालू हो जाता है पर जो आपने कॉल रिकॉर्ड किया है वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। तो आपको जो वर्सन मिलने वाला है वो वर्सन मिलने वाला है कॉन्टेक्ट का 4.5.19, ये वर्सन आपको मिलेगा, 38 MB का है। तो इसी वर्सन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। दूसरा वर्सन अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा और आपके डिवाइस में कलर ओएस 4.0 रन कर रहा है तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कलर ओएस 3.0 में तो वर्क कर जाएगा पर 4.0 में वर्क नहीं करेगा। पर इस वर्सन को अगर आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो दोनों वर्सन में सही तरीके से वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेबल अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और रिस्टोर पे क्लिक करूंगा। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो भी आपसे परमिशन मांगा जाएगा उस परमिशन को आप यहाँ पे अलाउ कर देना। तो चलिए मैंने अलाउ कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और होने के बाद अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद अब आपको पहला काम क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करना है और डिफॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन ऐप्स का, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपका यहाँ पे गूगल फ़ोन में यहाँ पे सेट किया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है Realme कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो गूगल डायलर देखने को मिल रहा है इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ऐप्स इंफॉर्मेशन में जाना है और ऐप्स इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आपको इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल पे क्लिक कीजिए और डिसेबल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया है अगर मांगेगा तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। देख सकते गूगल डायलर यहाँ से चला गया है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रियलमी जो आपको डायलर देखने को मिल रहा है इसको आप यहाँ पे शॉर्टकट में सेट कर लिए। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे कॉल करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। और चलिए फिर से मैं यहाँ पे कॉल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ तो रिकॉर्डिंग पे लगाने के बाद कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कट कर दिया और कट करने के बाद अगर कोई भी कॉल रिकॉर्ड होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे माई फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं, फोल्डर में जाते हैं, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको ऑडियो वाला ऑप्शन देखने को मिला इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए अभी मैंने करंट में रिकॉर्ड किया है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पे सुन सकते हैं, किसी में भी आपको सुनना है तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेव करके भी रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे Realme डायलर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अगर थ्री डॉट पे जाता हूँ, थ्री डॉट में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पे क्लिक करने के बाद कोई भी सेटिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्ड स्पेसिफाई नंबर का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कोई ऐसा नंबर है जिसको आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में लगाना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करके उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉन्टेक्ट में आप अपना देख ले कि कौन से नंबर को कॉल रिकॉर्डिंग में डालना है। अगर आप यहां से बैक होते हैं, बैक होने के बाद रिकॉर्ड अननोन नंबर देखने को मिलेगा। कोई भी अननोन नंबर आपके पास कॉल आता है उसका रिकॉर्डिंग करना है तो उसको भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपली आप इसको ऑन कीजिएगा तो अननोन नंबर जो भी आएगा वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। और सभी कॉल को अगर रिकॉर्ड करना चाहते तो ऑल कॉल को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो Realme डायलर है उसको अनइंस्टॉल करना है और मेन जो आपका Google डायलर उसको वापस लाना है तो कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये आपको डायलर देखने को मिल रहा है, अगर इसको आप नहीं रखना चाहते तो अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, अनइंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है और इस डायलर को आप यहाँ पर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है और ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद डिसेबल ऐप्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल फोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है और देन आप इसको फिर से यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और ये इनेबल कर दीजिएगा देन आपको यहाँ पे गूगल डायलर फिर से देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के होम स्क्रीन में सेटअप करना है तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो Realme डायलर उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको APK फाइल मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।